हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को तीज बहुत बहुत मुबारक हो। और आज तीज की खुशी में मैं बनाऊंगी कचौरी, जिसके लिए मैंने आलू उबाल लिए हैं। और अब मैं बनाऊंगी इसकी पिट्टी। इन्हें मैंने बारीक करके अच्छी तरीके से फोड़ लिया है। देखिए, आप आलू की पिट्टी बिल्कुल बारीक करके बनाएं। और अब मैं इसमें डालूंगी प्याज, बिल्कुल बारीक कटा हुआ। मैं इसमें एक प्याज डाल रही हूँ, 2 से 3 हरी मिर्च बारीक कटी हुई। आप हरी मिर्च अपने टेस्ट के हिसाब से डाल सकते हैं। अगर आप ज़्यादा तीखा नहीं खा सकते तो आप एक भी डाल सकते हैं। 1 चम्मच में इसमें नमक डाल रही हूँ। नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से डालें, आप जैसा नमक खाते हैं आप वैसा नमक डाल सकते हैं। 1 बड़ा चम्मच में इसमें लाल मिर्च ऐड कर रही हूँ। आप लाल मिर्च भी अपने टेस्ट के हिसाब से डालें। मेरे को तीखा थोड़ा ज़्यादा पसंद है, इसलिए मैं थोड़ी सी और इसमें लाल मिर्च ऐड कर रही हूँ। 2 चम्मच इसमें धनिया पाउडर मैं डाल रही हूँ। आधा चम्मच में इसमें हींग डाल रही हूँ। और इसमें टेस्ट के लिए मैं थोड़ा सा जीरा डाल रही हूँ। अब इस पिट्टी को अच्छी तरीके से मिला लेंगे, बिल्कुल अच्छी तरीके से मसाले हमें पिट्टी में मिलाने हैं। जितनी पिट्टी अच्छी बनेगी कचौरी भी उतनी ही है। पिट्टी के हिसाब से ही कचौरियों का टेस्ट आएगा। आप पिट्टी बहुत अच्छी तरीके से बनाएं। अब इसमें जाएगा कटा हुआ धनिया। कटा हुआ धनिया आप बिल्कुल बारीक से काटें और बिल्कुल ज़रूर डालें। धनिए से कचौरी का टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। अब मैंने कढ़ाई में ऑयल गरम करने के लिए रख दिया है। इसे 2 से 3 मिनट के लिए, जब तक ऑयल गरम होगा तब तक हम अपनी कचौरी तैयार करेंगे। आप चाहे तो पिट्ठी ज़्यादा भर सकते हैं, चाहे तो कम भर सकते हैं। मैं इसलिए ज़्यादा भर रही हूँ क्योंकि मुझे थोड़ी ज़्यादा पिट्ठी कचौरी में पसंद है। हल्का सा आप ऑयल लगा लें। ऑयल लगाने से कचौरी चिपकेगी नहीं और ना ही फटेगी, बहुत अच्छी तरीके से वो बन जाएगी। हल्के हाथ से हमें इसे बेलना है। और आप देख सकते हैं कि कचौरी एकदम अच्छी तरीके से हमारी फटी भी नहीं है और बहुत अच्छी तरीके से बनी है। अब हम इन्हें कढ़ाई में डालेंगे। बिल्कुल आपको हल्का सा तेल, ज़्यादा नहीं गर्म करना है ताकि कचौरी अच्छी तरीके से बने। अब गैस का फ्लेम आप हल्का सा कम कर दें, ना इसे बिल्कुल हाई फ्लेम पे आपको बनाना है और ना ही लो पे। नॉर्मल आपको गैस का फ्लेम रखना है ताकि कचौरी बाहर से भी अच्छे से पके और अंदर से भी अच्छी तरीके से पके। अब आप देख सकते हैं कचौरी बिल्कुल अच्छी तरीके से हमारी फूली हुई बनी है और बहुत ही अच्छी ये ब्राउन हुई है। आप देख सकते हैं, अब मैं इसे निकाल लूंगी। इस तरह से आप कचौरी बनाएंगे तो एक कचौरी अच्छी तरीके से फूली बनेगी और बहुत ही अच्छा टेस्ट इसका होगा। आप इस तरीके से कचौरी बना के जरूर ट्राई कीजिए। और अब हम इन्हें सर्व करेंगे। आप दही, अचार, चाय, दूध किसी के साथ भी कचौरी खा सकते हैं, ये बहुत ही टेस्टी लगती है। आप सब भी कचौरी इंजॉय कीजिएगा और ये कैसी बनी मुझे ज़रूर बताइएगा। थैंक्स फ्रेंड्स।